नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र सिन्हा एटलांटिक से आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले थ्री फेज लॉटरी स्विच या थ्री फेज हम फेज सिलेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इधर हम लोग इसको थ्री फेज का फेज सिलेक्टर बोलते हैं, जहां पे किसी घर में अगर तीन फेज का कनेक्शन आया हुआ रहता है तो घर का लोड देने के लिए तुमको एक फेज ही चाहिए, ठीक है। एक फेज डायरेक्ट न्यूट्रल चाहिए हमको, लोड के लिए तीन फेज नहीं दे सकते। एक बल्ब जलाने के लिए तो हम तीन फेज नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस कनेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे थ्री फेज पे जो हमारा फेज सिलेक्टर होता है इसका यूज करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हमारा तीन फेज आता है, ठीक है। इसमें तीन इनपुट हम होते हैं, तीन फेज कराते हैं, आउटपुट हमारा एक फेज ही करता है, ठीक है। हम अपने हिसाब से जहां पे हमको सफिशियंट फील होता है, जिसमें अगर किसी फेज में वोल्टेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा क्या है, तीन फेज अरेग न्यूट्रल आया, ठीक है। ये तीन फेज अरेग न्यूट्रल आया, इससे पहले वीडियो बता दिया था मैंने कि हमारा थ्री फेज के मीटर कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम कुछ चीज भी यूज करेंगे, ठीक है, टीवी यूज करें या बल्ब यूज करें, तो हम थ्री फेज का तो यूज नहीं कर सकते ना, कि तीन फेज का कनेक्शन दे दिए, न्यूट्रल दे दिया, हमारा बल्ब जलेगा। उसके लिए तुमको एक फेज अरेग न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, तीन फेज डालते हैं, आउटपुट एक फेज का लेते हैं जिसमें हमको सफिशियंट माने वोल्टेज मिले, ठीक है। या किसी में कट है तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, विशेषकर इसका हम यूज करते हैं जो हमारा ये फेज चेंज ओवर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए जिनके घर में थ्री फेज का कनेक्शन आया हुआ है या कोई इंडस्ट्री में ऑफिस ऑफिस में यूज होता है विशेषकर, तो क्या है, जिसके यहाँ थ्री फेज का कनेक्शन वहीं पे यूज कर सकते हैं आप, अदरवाइज इसका यूज नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो थ्री फेज का जो हमारा कनेक्शन, इससे पहले वीडियो मैंने बताया कि इसमें हमारा जो फेज होता है तीन आता है, ठीक है। एक यहाँ इन करता है, आउट बगल से करता है, ठीक है। जैसे हमारा एक फेज ये इन किया था तो एक हमारा आउट यहाँ से किया, ठीक है। सेकेंड फेज हमारा इन यहाँ किया तो आउट यहाँ से किया, ठीक है। जो हमारा तीसरा फेज ब्लू था वो इन यहाँ से किया, आउट यहाँ से किया, और ये हमारा न्यूट्रल इन यहाँ से किया, आउट यहाँ से किया। इससे पहले मैंने यहां तक का कनेक्शन बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे आएंगे तो मीटर के बाद हम कनेक्शन कहाँ लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे यहाँ पे किटकैट फ्यूज में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 63 एम्पीयर का तीन किटकैट फ्यूज लिया, ये हमारा तीन फेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर कनेक्शन हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके बाद लेके जाएंगे हम एमसीबी में, ठीक है। ये हमारा फुल बोर्ड का एमसीबी है, यहाँ पे आप मेन स्विच का भी यूज कर सकते थे, पर यहाँ मैंने किटकैट फ्यूज दे दिया था इसलिए मैंने मेन स्विच का यूज नहीं किया। जो हमारा थ्री फेज का मेन स्विच आता है वहां पे आप इसका यूज कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे एमसीबी का यूज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा तीन फेज का कनेक्शन है, अब तीन फेज का कनेक्शन हमारा आएगा, ठीक है, ये हमारा फेज सिलेक्टर में। अब यहां से हम एक फेज सिलेक्ट करके यहाँ पे भेजेंगे सप्लाई के लिए। अब यहां से फिर घर का हम लोड यूज करेंगे, ठीक है। इसका आगे भी कनेक्शन होता है, पर हम फिलहाल देखें कि ये जो हमारा फेज सिलेक्टर है उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से आगे कनेक्शन देखते हैं। हम जब हमारा घर में थ्री फेज के मीटर कनेक्शन हुआ, ठीक है, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज एक इन फिर आउट, फेज इन करेगा फिर आउट करेगा, फेज इन करेगा फिर आउट करेगा, एक न्यूट्रल इन करेगा आउट करेगा, ठीक है। इस टाइप से कनेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कनेक्शन हमारा ये फेज इन यहाँ किया था, अब हम आउट कहां से कराएंगे, आउट कराएंगे उसके बगल से। तो आउट के लिए मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है। हम आज क्या है, ड्रॉइंग नहीं पता लेके आया, तो इसी के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कनेक्शन दिखा रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते पैनल के अंदर से ले आते, क्योंकि मैं बताने के लिए कर रहा हूं तो मुझे ये कुछ यूज नहीं, इसलिए मैंने यहाँ छेद करके नहीं ले गया। ऐसे क्या होगा, आपको समझने में भी आसान होगा वायर अगर बाहर में रहता है तो, कि कनेक्शन किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फेज एक यहाँ किया था, आउट यहां से किया, आउट करके हम कहां ले जाएंगे, ले जाएंगे हम किटकैट फ्यूज में, ठीक है। तो हमारे फ्यूज का ऊपर या नीचे टर्मिनल में कहीं भी आप दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे टर्मिनल देते हैं, कि जो करने का तरीका होता है, जो हमारा फेज कभी भी इन करता है तो वो नीचे में इन करता है, आउट जो होगा वो ऊपर से करेगा, ठीक है। ये किटकैट फ्यूज तीन था, ये तीन फेज के लिए था, एक फेज इन किया था, आउट करा के हम यहां ले आए, ठीक है। सेकेंड फेज हमारा यहां इन किया है, आउट कराएंगे इसको, आउट करा के हम कहां ले आएंगे, बगल वाले फ्यूज में ले आएंगे, ठीक है। फिर तीसरा फेज हमारा ब्लू है, ठीक है, वो इन यहां किया था, आउट यहां से कर रहा, ठीक है। आउट करा के हम कहां ले आएंगे, इस फ्यूज में, ठीक है। ये हमारा तीन फेज का कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों फेज हमारा आउट कहां से करेगा, अब आउट यहां से इन किया तो ऊपर से आउट करके करेगा, एक फेज यहां से आउट करेगा, रेड ये येलो ये ब्लू, ठीक है। आउट करेगा कहां चल जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा फोर पोल एल एमसीबी में। इसके साथ हमने क्या किया, तीन फेज के लिए बल्ब लिया कि हम समझा सके कि अगर एक फेज कटता तो किस तरीके से उसका लोड का यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ तीन फेज के लिए अलग अलग बल्ब ले लिया, एक दो तीन, ठीक है। ये हमारा रेड के लिए हो जाएगा, ये हमारा येलो के लिए हो जाएगा, ये ब्लू फेज के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका मैंने पहले से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे हो गया रेड फेज के लिए, ठीक है। ये जो सेकेंड बल्ब है ये हमारा येलो फेज के लिए लिया है, और ये जो तीसरा फेज का है, ठीक है, ये हमारा ब्लू है, और न्यूट्रल इसमें कॉमन है हमारा, इसे कनेक्शन कर लिया। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट भी हम यही से जोड़ देंगे, ठीक है। जो हमारा फ्यूज से आउट निकल के हम जब एमसीबी में ले जाएंगे, सेम यही से हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन कर देते हैं। तो हम वायर ले लेंगे, और
तो हमारा फेज एक हम यहाँ जो हमारा रेड फेज था यहाँ क्या था आर, हम आउट करेंगे यहां से, आउट करके हम क्या करेंगे यहां ले जाएंगे। तो हमारा जो रेड फेज के लिए इंडिकेटर के लिए हम ये बल्ब यूज कर रहे थे, तो इसका जो वायर है फेज का, ठीक है, मैंने अलग अलग कलर का ही वायर लिया था। ये हमारा यहां से आउट हो जाएगा, फिर यहां से आउट करके हमको यहां पे ले जाना है। तो इसको भी कनेक्शन करते हैं, ये हमारा रेड फेज के लिए हो गया। अब येलो के लिए हम यहां से आउट कराएंगे, आउट करा के यहां ले जाएंगे इस टर्मिनल में ले जाएंगे। तो एक वायर यहां से ले लेते हैं, ठीक है, आउट करा के हमको यहां ले जाना। तो येलो फेज के लिए जो वायर था, ठीक है, ये फेज का वायर ये था, ठीक है, इसका जो न्यूट्रल था कॉमन था ये हमारा रेड फेज का था येलो और ये ब्लू, ठीक है, अलग अलग वायर था, ये हमारा ब्लू फेज का है। हम इसको क्या करते हैं यहां से फोर पोल में ले आते हैं, अब हमारा क्या करेगा, ये हमारे ब्लू है, ये हो गया लो, ये ब्लू फिच का इन यहां से क्या था आउट यहां से करके हम यहां ले जाएंगे, ठीक है, सीधा फोर पोल एमसीबी में। आप यहां मेन स्विच में भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी लिया हुआ तो हमने एमसीबी का ही यूज करते हैं, ब्लू फिच का जो बल्ब है इंडिकेटर उसको भी हम दे देते हैं यहां से कनेक्शन। ठीक है, अब ये हमारा जो न्यूट्रल है, ठीक है, ये तो हमारा फेज के लिए था, तीन, एक दो तीन यहां पे हमारा बना हुआ ड्रॉइंग, ठीक है, ये हमारा एक फेज के लिए था, ये सेकंड फेज के लिए था, ये थर्ड फेज के लिए था, ये जो फोर्थ है ये हमारे न्यूट्रल के लिए था, ठीक है। न्यूट्रल हमारा कहां था, न्यूट्रल हम यहां पे था, ठीक है, मीटर का एक टर्मिनल, जो मीटर का एक टर्मिनल हम यहां पे न्यूट्रल इन कराए थे, ठीक है, आउट कराए थे क्या उसका बगल वाला टर्मिनल से, ये वायर था आउट करा के हमको क्या लेना, यहां ले आना है। और ये तीन बल्ब का जो इंडिकेटर का भी एक न्यूट्रल था, ये भी हम कॉमन लिए हुए थे, ठीक है, ये तीन वायर था, ये फेज का वायर था, एक रेड येलो और ब्लू, और इसका जो हमारा न्यूट्रल था ये भी हम क्या करेंगे साथ में यहां पे कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल आप कहीं से भी कनेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे यहां तक का कनेक्शन, देख रहे इसको लगा ही लेते हैं। ये हमारा ये बल्ब का था, यहां तक का समझ आ गया कि हम यहां से आउट करा के सीधा ले गए, एक फेज दो फेज और ये तीन फेज, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आउट करा। अब यहां से क्या करेंगे, इन कराए, अब यहां पे, अब यहां से आउट करेगा हमारा ऊपर टर्मिनल से, ठीक है, इस टर्मिनल से आउट करेगा। अब यहां से आउट करेगा कहां ले जाना हमको, अब आएगा हमारे ये लोटरी स्विच में जो हमारा फेज सिलेक्टर है। तो ये फेज सिलेक्टर में देखिएगा इसको फिट करने का तरीका क्या है, जब भी आप इसको अगर इस बोर्ड में, ठीक है, पैनल में कोई फिट करना है तो आपको यहां पर एक नट रहता है, मैंने पहले खोल लिया है, ठीक है, आपको इसको खोल लेना है। उसके बाद यहां पे एक दो नट होगा, इसको भी आपको खोल लेना है, मैंने पहले से कर लिया था कि बताने में टाइम लगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, ये ठीक है, ये जो है इस साइज का हमको ये होल करना है। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, सब कुछ एक बोर्ड है, इसमें मैंने पहले से होल किया हुआ था, ठीक है, आपको ये साइज का होल कर लेना है। और ये क्या करना है, इसको बस इस तरीके से अंदर ले आना, ठीक है, फिटिंग करने का जो तरीका है ये इस तरीके से यहां पे जाएगा, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से हमारा पैनल का ऊपर रहेगा, ठीक है, ये भाग जो होगा हमारा अंदर में चल जाएगा। इसको फिट करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये इस तरीके से कर लीजिएगा, यहां पर देखिए चार होल किया हुआ है, एक दो तीन चार, उसमें आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, आई ड्रिल ड्रिल से आप छेद करके यहां पे गए, दो को स्क्रू या नट बोल्ट से आप टाइट कर दिए तो ये बोर्ड हमारा फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी तो उसका इस पैनल में मैं फिट करके बताऊंगा नहीं, अब इजी वे में आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन कर देंगे, हम क्या करते हैं इसको फिट कर लेते हैं। अब जब इसका कनेक्शन करने का बात आएगा, ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसमें चार टर्मिनल है, ठीक है, ये जो हमारा फेस सिलेक्टर होता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप से आ जाए, ठीक है। कनेक्शन करना बड़ा सिंपल है, आपको कहीं भी इनपुट के लिए तीन फेज का दिया रहेगा, आउटपुट के लिए एक फेज का दिया रहेगा, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं इसको, तो हमारा क्या, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा आउटपुट के लिए है, ठीक है, ये हमारा फेज आउटपुट के लिए, अदरवाइज जो चार टर्मिनल है, ठीक है, एक यहां पे दो, ये तीन और ये चार,
ठीक है, ये चारों में किसी में हमको क्या करना है, तीन फेज कनेक्ट करना है, एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज, ठीक है, चार है तो हमको क्या करना है, तीन ही फेज हमारे पास है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये चार टर्मिनल से किसी में भी तीन में हम क्या करेंगे, तीन फेज जो हमारे यहां से आउट करेगा, ठीक है, जो हमारा एमसीबी से आउट करेगा उसे क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, तीन फेज का आउटपुट पहले हम ले लेते हैं। तो हमने यहां पर चार को आउटपुट ले लिया, ठीक है, ये हमारा जो यहां से इन किया था ये चार, ठीक है, ये चार हमारा इन किया था, तीन हमारा फ्यूज के थ्रू किया था, एक हमारा डायरेक्ट मीटर से आया था। अब यहां से क्या, चार ही हमारा तीन फेज, एक न्यूट्रल इन किया था, तो अब यह ऊपर से आउट किया, एक हमारा रेड, येलो, ब्लू और ये ब्लैक हमारा न्यूट्रल, ठीक है, ये चार वायर आया तो हमको क्या करना है, इसमें तीन वायर जो तीन फेज है, ठीक है, हमारा रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, ये जो फेज सिलेक्टर है हम उसमें कनेक्शन दे देंगे। तो मैंने पहले बताया एक दो तीन चार, चार को टर्मिनल, उसमें कोई भी तीन टर्मिनल में आपको फेज का कनेक्शन देना है, ठीक है, और ये जो जो दोनों आपस में कनेक्ट है, ठीक है, ये जो दोनों कनेक्ट है ये हमारा आउटपुट के लिए है, इनपुट के लिए हमारे पास चार टर्मिनल दिया हुआ है, तो हम एक करके करते हैं, ठीक है, पहले जैसे लाल है तो रेड फेज के लिए कर देते हैं यहां से कनेक्शन, ठीक है, इस जगह पे दो लिखा हुआ है, तो ये सेकंड हमारा येलो फेज है, ठीक है, तो ये फेज हम देते हैं, ठीक है, ये तीसरा हमारा जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा तीसरा है, तो हमारा तीसरा फेज ब्लू है, हम ब्लू इन करा देते हैं यहां पे, आपको किसी क्या करना है, चार जो टर्मिनल किसी एक में आपको दे देना है, क्योंकि इसके पास चार ऑप्शन है, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, तो जो जिसमें आप नहीं दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, उस टर्मिनल में लाइट नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे एक टर्मिनल दिया लाइन है, सेकेंड में दिए जो इस टर्मिनल खाली है, ठीक है, जैसे ये हमारा ये चौथा टर्मिनल खाली है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक में कंडीशन में क्या होगा, जब इसमें जैसे एक दो तीन चार, चार बार घूम रहा, ठीक है, एक में क्या होगा आपका फेज या कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इसमें क्या होगा, एक में लाइन कट जाएगा, बाकी तीन में अलग अलग फेज रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिर फेज कनेक्शन। अब क्या करना है, इससे हमको फेज आउट भी कराना है, तो आउटपुट के लिए हमारा कहां था, ये हमारा आउटपुट के लिए यहां पर है, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट है, तो हम आउटपुट के लिए एक वायर ले लेंगे, तो अब इसको कहां लेके आएंगे, जो हमारा तीन फेज तो इन किया, आउटपुट का एक वायर है, हम लेके आएंगे यहाँ पे जो हमारा डीपी स्विच है, ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज के सप्लाई के लिए हम जो घर में लोड यूज करेंगे, तो उसके तुम क्या कर रहे हैं, इसका जो फेज है आउट करें, कहां ले आएंगे, जो आपका डीपी स्विच है, डीपी एमसीबी है, वहां पर हम दे देंगे, ठीक है, एक में हमारा फेज पहुंच गया, न्यूट्रल हमारा यहां पे था, ठीक है, न्यूट्रल रोडी हमारा यहां से सप्लाई किया हुआ था, तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल दे देंगे, ये हमारा हो गया कनेक्शन यहां तक। अब क्या होगा, ऊपर टर्मिनल से ये हमारे यहां से लोड सप्लाई करेगा, ठीक है, जो हमारा हम लोड के लिए एक बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां से घर का आपका सप्लाई ले लीजिएगा, हम क्या करते हैं एग्जांपल के लिए यहां पे ले लेते हैं, घर का फेज है न्यूट्रल, यहां से फिर क्या सिंगल पोल का एमसीबी लेके अलग रूम बाय रूम जो सप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अपने से सप्लाई करो बनवा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे के वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा कि इसके बाद का सप्लाई हम किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लाइन देख के देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं बगल वाले बोर्ड से मैं इसे कनेक्शन देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कनेक्शन दिया तो यहां पे हमारे तीनों फेज का बल्ब का जो इंडिकेटर जलने लग गया, ठीक है, रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों हमारा जल रहा, ठीक है, ये तीनों फेज एक से, ठीक है, ये तीनों हमारा ग्लो कर रहा, एक दो और ये तीन, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक टर्मिनल में लाइन नहीं रहता, ठीक है, जैसे चार टर्मिनल है, एक दो तीन चार, तो एक में किसी में लाइन नहीं रहेगा, ठीक है, बाकी तीनों में अलग अलग फेज सप्लाई रहेगा, तो जैसे अभी क्या, अभी जो टर्मिनल में उसमें लाइन नहीं है शायद, ठीक है, यहां से अभी ऑफ है, हम क्या करते हैं इसको ऑन कर लेते हैं शायद, तो ये ऑन किए तो हमारा यहां से सप्लाई हुआ तीन फेज, तीन फेज से सप्लाई होकर हमारा एक फेज ये आउटपुट दिया और आउटपुट से हम घर का एक फेज से लोड चलाया, ठीक है, अब हम इसको जैसे चेंज करेंगे, चेंज किया, ये दूसरा फेज में वहां भी लाइन है, ठीक है, ये इस फेज में हमारा लाइन नहीं है और ये हमारा एक लाइन है, मतलब तीन में लाइन है हमारा, जो एक जो चौथा टर्मिनल है इसमें हमारा नहीं है, ठीक है, जैसे पहला में हमने कनेक्शन किया था, सेकेंड नंबर में किया था, तीसरे नंबर में किया था, ये तीनों में हमारा लाइन है, जैसे एक में है,
दूसरा में भी है, ये तीसरे फेज में भी है और ये चौथा में ये कनेक्शन नहीं दिया था इसलिए हमारा ऑफ है। ठीक है, अगर चौथा में भी कुछ आप वायर दे दीजिएगा उसका फेज का या कोई नहीं से इन्वर्टर का, तो फिर वहां से वो आउटपुट करेगा। चौथा से अगर इन्वर्टर का कनेक्शन दीजिएगा तो वहां से चौथा जो लोड निकलेगा, ठीक है सर, चौथा जो घर खाली था वहां पे आप इन्वर्टर का दे दीजिएगा तो जो लोड होगा इन्वर्टर कनेक्शन से फिर निकलेगा। ठीक है, जो इसमें से कनेक्शन होता है उनके अगर इसको चेक करके देख लेते, सपोज जैसे ये एक फेज है, ठीक है ये हमारा रेड फेज था, हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बंद हो गया। ठीक है, ये एक फेज में हमारा ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है लाइन कट गया सपोज एक फेज में, तो इसको क्या किया चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। दो फेज में हमारा लाइन है, एक फेज में ऑटोमेटिक हमारा कट लाइन नहीं दिया हुआ कटा हुआ, एक फेज से हमारा कट गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सेकंड फेज भी काट देते हैं, ये भी कट गया। हमारा दो फेज में लाइन नहीं है, एक ही फेज में लाइन है, तो उस कंडीशन में ये हमारा एक फेज में देखिए लाइन है। ठीक है, इसमें ये फेज में भी लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है और इसमें तो हमने कनेक्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं अगर घर में आपका एक फेज में लाइन है। ठीक है, मैंने किसी भी तरीके समझिए आपको एक फेज का लोड मिलेगा, अब तीन फेज से एक फेज का लोड ले सकते हैं अगर कभी वोल्टेज नहीं रहता, विशेषकर हमारा एक फेज में लाइन कट जाए तो उस समय इसका हमारा जो फेज सिलेक्टर का यूज हम विशेषकर करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।